केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह गुरुनगरी अमृतसर पहुंचे। राजनाथ सिंह बीएसएफ की 50वीं वर्षगांठ के मौके पर अटारी पर आयोजित समारोह में हिस्सा लेने के लिए आए थे। इस मौके पर राजनाथ सिंह ने अटारी सड़क सीमा पर नई दर्शक गैलरी का नींव पत्थर रखा, साथ ही उन्होंने रिट्रीट सेरेमनी का भी लुत्फ उठाया। इसके बाद आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर के बारे में जो भी मुद्दे उठाए जा रहे हैं उन पर केंद्र सरकार की पूरी नज़र है और उनका हल निकाला जाएगा। वहीं राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि पाकिस्तान की ओर से आतंकवाद को जो भी बढ़ावा दिया जा रहा है उसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राजनाथ सिंह ने बताया कि कठुआ और सांभा में हुए फिदायीन हमले का जहां मुंहतोड़ जवाब दिया गया है, वहीं बीएसएफ भी सीज फायर का मकूल जवाब दे रही है। साथ ही अटारी सड़क सीमा पर हो रही नशीले पदार्थों की तस्करी के मुद्दे को लेकर राजनाथ सिंह ने कहा कि जल्द ही आईसीपी पर ट्रक स्कैनर लगाए जाएंगे। साथ ही राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान के साथ लगती सीमा को भी सील करने का वादा किया। मुझे लगता है कि शायद आप लोगों को इस बात की जानकारी नहीं हुई, इस बार जो सीज फायर वायलेशन पाकिस्तान के द्वारा हुआ है, हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने कितना मुंहतोड़ उसका जवाब दिया है। और मैं कह सकता हूं कि विगत कई वर्षों में, पिछले वर्षों में, यहां पर डीजी स्वयं बैठे हैं, शायद इस तरीके से कभी मुंहतोड़ जवाब नहीं दिया गया होगा जैसा कि मुंहतोड़ जवाब इस बार बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने दिया। आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि बॉर्डर की सिक्योरिटी हम ऐसी इंश्योर करेंगे ताकि एक बार चूहा भी घुसने की कोशिश करे से न घुस। पंजाब से लगा हुआ भारत पाकिस्तान का बॉर्डर है, इसी की नहीं बल्कि हिंदुस्तान में जिस इस प्रकार के जितने भी सीमाएं हैं, जितने भी बॉर्डर्स हैं, वहां पर डेवलपमेंट किस तरीके से हो सके, इस संबंध में एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान हम लोगों ने चाक आउट किया है। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ, कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।